थ्री बोलूंगी तो लेट्स गो 1 2 3 हाय गाइस 2 3 हाय एवरीवन हाय गाइस एवरीवन 4 हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल. तो किस लेवल का ड्रामा कर रहे हो बन बाप रे ये बन नहीं पाएगा. चलो बी सीरियस. A few moments later. Hi everyone, welcome to my channel. तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस में जब से जबको पता चला है जब से सबको पता चला है कि टीनू की शादी हो रही है तो बहुत इंटरेस्टेड थे कि टीनू कैसे अपना प्रिपरेशंस कर रही है और क्या कर रही है और उसको वीडियो मिले क्या. मैंने इसको भी काफी सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स पढ़ाए कि भाई लोग तुमको देखना चाहते हैं. तो नाउ शी इज हेयर और अब शादी के लिए सिर्फ हमारे 3-4 दिन बचे हैं. तो मैंने यहाँ पर ऐसे कलेक्टिवली सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं बिकॉज रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे थे और उसमें बहुत टाइम लग जाता है. सो टीनू आर यू रेडी? लेट्स गो. क्या मिलेगा मुझे जीतने में? जनता का प्यार. ओह वाह, आई एम डाइंग फॉर दैट. ठीक है चलो. ओके तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टीनूज रियल नेम? एकता मंडलोई इज माय रियल नेम. और टीनू धीनू और चीनू तो बिल्कुल भी नहीं है. ओके अपना स्कूल नेम बताओ भाई सबको, मतलब तुम अपना स्कूल नेम बताओ, तुम्हारी एजुकेशन और कॉलेज क्या है ये बताओ. ओके तो अगर आप भोपाल के हो तो आपको पता होगा कार्मल कॉन्वेंट. तो मैं गर्ल्स स्कूल था मेरा, तो मैंने वहां से अपना 12th मैंने अपना स्कूलिंग वहां से किया है. और कॉलेज का नाम टेक्नोक्रेट्स, अगर पूरा नाम नहीं जानना है क्योंकि कोई इतना इंटरेस्टिंग कॉलेज भी नहीं था वो कभी भी, तो TIT शॉर्ट. बस उससे उस कॉलेज से एजुकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स लाइक बकवास कॉलेज है. वेयर शी वर्क एंड व्हाट शी वर्क? ओके तो मैं अभी सर्विस नाउ में हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. अगर मेरे ओपिनियन में पूछोगे क्योंकि मैं ब्लंट हूँ चीजों को लेकर के, तो वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंपनी आई हैव एवर वर्क्ड विद. और मेरा जॉब प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट का. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लव मैरिज. और भाई इस क्वेश्चन मतलब 25-30 क्वेश्चन सिर्फ ये थे लव मैरिज और अरेंज मैरिज. और इफ लव मैरिज शेयर योर स्टोरी विद अस. एग्जैक्टली लव मैरिज तो नहीं कहेंगे, फ्रेंड्स थे हम लोग बहुत टाइम से, लाइक अराउंड 6-7 ईयर से. IT में मैंने जब स्टेप इन किया है उसके 1-8 साल से हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सिंस एवर देन हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं. तो दैट टर्न इन टू मैरिज. तो हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया था कि यार कुछ नहीं होगा तो हमें शादी कर लेंगे, ठीक है, अपन को कोई झेलने वाला नहीं मिलेगा, हमें शादी कर लेंगे. क्योंकि हमारी ट्यूनिंग उस लेवल की बैठती है कि हम लोग हर चीज शेयर करते हैं, बातें करते हैं. मेरे गाय फ्रेंड्स बहुत हैं एग्जैक्टली इन जनरल, क्योंकि मैं मेरा थोड़ा उनके साथ सही बैठता है. मेरे गर्ल्स फ्रेंड जो हैं वो तो महा अमेजिंग है क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ उतने ही कनेक्टेड है जितने मेरे गाय फ्रेंड्स हैं, पर मैं गाय फ्रेंड्स के साथ सारी चीजें शेयर कर पाती हूँ. तो उसके उस हिसाब से देखा जाए तो लव प्लस अरेंज दोनों बोल सकते हैं. घर वाले मान गए तो अरेंज हो गई बस, समाज मान गया बस, वही काफी है. लव मैरिज और अरेंज मैरिज नहीं होता. ओके नाउ टीनू का, अच्छा तुम्हारी लव स्टोरी शेयर करनी, कुछ लव स्टोरी है ही नहीं? लव स्टोरी एज सच कुछ नहीं है, काफी टाइम तक साथ साथ थे. हम लोग ने मतलब हम लोगों को ऐसा ये भी नहीं है कि भैया आगे चल के क्या करेंगे, कि हम लोग ने ट्रिप्स इतनी मारी हैं, साथ में ऑफिस में काम करते थे, साथ में खाना खाया, भाई सब कुछ हम लोग ने. इंटरनल ग्रुप था हमारा, इनर सर्कल का ही बंदा है वो. तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कंपेनियन है करेक्ट / बेस्ट फ्रेंड है करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट है टीनू का होने वाला हस्बैंड का नाम क्या है, वो कौन है, वो क्या करता है, जॉब क्या करता है? कुछ नहीं करता. ये भी बहुत क्वेश्चन है. कुछ नहीं करता. मैं बैठा के खिलाऊंगी उसे. नहीं करता, नहीं वो देखेगा तो मार डालेगा मुझे. संबित मोहपात्रा नाम है उसका. वो ओरिजिनली अमृतसर से है, पंजाब. और मेरी ही कंपनी में, हम लोग सेम कंपनी में थे इससे पहले, अब वो दूसरी कंपनी में है, वो भी IT इंडस्ट्री में ही है. और सीनियर कंसल्टेंट लेवल पे है वो. टीनू की शादी कहाँ हो रही है? भोपाल. भोपाल यार कहाँ होगी सीरियसली. टीनू कहाँ सेटल होने वाली है आफ्टर मैरिज? शी रिजाइन फ्रॉम करंट जॉब. अब मैं मतलब खुशी खुशी कर दूंगी अगर कोई और जॉब मिलेगी मुझे तो. पर अभी मैंने रिजाइन नहीं किया थैंक्स टू कोविड, क्योंकि कोविड के कारण IT वाली पब्लिक तो जनरली कहीं से भी काम कर सकती है, तो हमारे पास वो लोकेशन का बैरियर कभी भी नहीं होता. तो वो चीज है कि हम
अभी तो पोस्ट मैरिज मैं अमृतसर जाने वाली हूँ, बट देन उसके बाद श्योर नहीं है कि किस लोकेशन पे सेटल होंगे. मोस्टली हमारा प्रेफरेंस होगा मुंबई ऐसा. एग्जैक्टली, क्योंकि जो सैम है वो अभी मुंबई बेस्ड कंपनी में ही है, तो मैं तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये वही आ जाए. हाँ, मुंबई आ जाए. तीनों के इन-लॉज क्या करते हैं? क्या करते हैं? डॉक्टर है, बताओ. एक हाँ, फादर इन लॉ तो डॉक्टर है और मदर इन लॉ एंजॉय करती हैं लाइफ जैसे मैं करती हूँ एंजॉय. उसके बाद होममेकर है इन शॉर्ट. हाँ, होममेकर है. What you were wanted in a life partner? I mean, how you decided to marry him? Love at first sight tha ya thoughtful decision tha? नहीं, love at first sight इस उम्र में जैसे कोई चीज ही नहीं होती है. इस उम्र में होता है क्या? वो सिर्फ एक है ना, attraction और infatuation होता है, बाकी इस तरह की कोई चीज नहीं होती है. Love at first sight कुछ नहीं है. Friends हैं और हम लोगों की understanding काफी match करती है, तो मेरा हमेशा से preference ये था कि मैं जिससे भी शादी करूंगी तो वो मेरे टाइप का होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि भैया ऑकवर्डनेस हो बात करने में. हाँ, exactly. तो काफी थॉटफुल डिसीजन था हम दोनों की साइड से. अब 30 साल के हो गए भैया, कब करेंगे? एज को लेकर के वो बैरियर ही नहीं है कि भैया किस एज में शादी होनी चाहिए. मेरे लिए उस वो लॉजिक ही वर्क नहीं करता है. बट आई एम फ्रॉम एन इंडियन बेस्ड फैमिली, तो हमारे यहाँ तो भैया ये लॉजिक इस लेवल का, और प्लस आई एम ठाकुर, तो हमारे इस लेवल का लॉजिक चलता भाई तुम 30 के हो गए, तुम घर पे बैठे हुए हो, हद दो भैया. मतलब बहुत टॉर्चर झेला है. ऐसा नहीं है इसने, बड़ी बहुत कूल है तो बहुत हाँ. अच्छे से हैंडल कर लेती तो थी. अभी ऐसा है कि ठीक है अभी 30 के हो गए, यही मैंने सुना है, तो मुझे ये लाइन याद है कि 30 के हो गए बस अब तुमको शादी कर लेनी. नेक्स्ट है, रुचि इज अ गुड भाभी और अ गुड फ्रेंड. डू यू वाइब वेल एंड हाउ इज योर बॉन्ड? हाँ, बॉन्ड इज अमेजिंग, वो तो दिख रहा होगा. हाँ, exactly. अगर हम दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे होते तो भाई क्या ही बात थी. मजा ही आ जाता है धूम धड़ल्ले पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते. नहीं, ये मिथ है. हम लोगों का फ्रेंड्स वाला बॉन्ड है. फ्रेंड्स वाला बहुत अच्छा बॉन्ड है. सेम एज ग्रुप के हैं तो सारी चीजें हम रिलेट कर पाते हैं, शेयर कर exactly. पाते हैं सारी चीजें. अभी हमारी शादी की शॉपिंग से लेकर के सारी चीजें सब साथ में ही हो रही हैं. एग्जैक्टली. आप सोचो कि हम एक जो हमसे रिलेटेड टॉपिक में, हम उस टॉपिक पे भी एक एक घंटा दो दो घंटा डिस्कशन करते हैं. मतलब इस लेवल का हम वाइब करते हैं, तो वैसा है. आप अपनी मैरिड लाइफ रुचि दी और विक्की जीतू की तरह चाहती हो क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, इतनी बोरिंग नहीं चाहती है कि अलग टाइप की है. हाँ, मैं बताती हूँ, ये जिस तरीके इन लोगों की पर्सनैलिटी है ना, विक्की को से तो ये बिल्कुल वाइब नहीं करते हैं. ये विक्की थोड़ा इनके लैंग्वेज में बोरिंग है. नहीं, तो हम लोग अलग हैं यार, हर बंदा अलग होता है. और जैसे मैं और सैम है तो हम लोग काफी अलग हैं कंपेयर टू रुचि एंड विक्की से. exactly. तो हमारा मस्ती करने का और हमारे हर चीज करने का तरीका भी अलग है कंपेयर टू दीज पीपल. तो सेम तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ ये लोग भी काफी थॉटफुल डिसीजंस लेते हैं चीजों को लेकर के. तो ऑब्वियसली आप रेफरेंस कर सकते हो, आप किसी को किसी के जैसा नहीं कर सकते. हाँ, हो किसी के हाँ. जैसा बन क्यों करना भी. हाँ, exactly. एक एक चीज सेम exactly. चीज करना पसंद हाँ. भी नहीं है. तो आप रेफर कर सकते हो किसी की लाइफ को देख करके. दी, आप इतनी कूल कैसे हो? आप दोनों क्या ये ठंडा ठंडा डर्मी कूल यूज करते हो? मतलब ये क्वेश्चन मेरे को कल ही बता दिया था. मैं दिसंबर बॉर्न बेबी हूँ, ये जनवरी बॉर्न बेबी है. दैट्स द रीजन आवर नेचर, बेसिक नेचर इज कूल. फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था आप दोनों का, मतलब सैम एंड योर्स? दिस इज इंटरेस्टिंग. तो मैं जनरली बहुत गालियां देती हूँ, तो अगर वो कभी देखेगा लाइफ में ये वीडियो मार देगा. एग्जैक्टली. तो हम लोग चेन्नई के ऑफिस में थे, सेम ऑफिस में काम करते थे. तो मैं अपने एक फ्रेंड को बहुत गालियां दे रही थी, तो उसने मुझे तब देखा कि भाई ये तो हद मचा रही है. आकर के उसकी डेस्क पर यार हो, चलना नहीं है क्या? और तो उसको बोल रही थी, मतलब मैं किसी और को बोल रही थी. वो उसी के टीममेट का सीनियर था. ओ भाई साहब, ये कौन है जो मार मार करके जा रही है मेरे बंदों को? मैं ऐसी थी. और उससे मैं हम लोग ट्रिप पे मिले थे फर्स्ट टाइम. सेम ट्रिप मारी थी क्योंकि हम चेन्नई में थे, तो सारे नॉर्थ इंडियन जनरली काफी ऐसा हो जाता है कि भैया कोई नहीं मिल रहा है तो चलो यही सही. तो ट्रिप में मिले थे फर्स्ट टाइम, तो बातें होने लगी. अब वो सिर्फ ऐसा था कि पूरे 500-700 लोगों में से 10-15 लोग ही थे जो नॉर्थ इंडिया से, तो खाना भी साथ में खाते थे, सब बातें भी साथ में करते थे, तो ऐसे था.
उसका नहीं पता मुझे यार क्या था फर्स्ट इम्प्रेशन. नहीं नहीं मेरा मेरे को नहीं पता कि उसका क्या था. उसका तो मुझे पता है क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मैं गाली देते हुए उसको मिली थी. मेरा ये था कि यार मेरे को फर्स्ट टाइम वो बस में ही दिखा था. मतलब जिस से हम ट्रैवल कर रहे थे बस में सब लोग वहीं पे डायरेक्ट पहुंचे थे तो मैं फर्स्ट टाइम उससे वहां पे मिली थी. फॉर्चुनेटली मुझे वहां पे एक और जो नॉर्थ इंडिया का बंदा था वो सागर का था तो मैं लगी हूँ हर रे भाई अपना भाई चालू हो गए तो आगर के बोले यार तुम्हारा मूवन नहीं होता क्या किस लेवल की बकवास करते हो तुम लोग. सेम बोला ये. हाँ कितना बात करते हो तुम लोग मतलब तुमको दिक्कत ही क्या है भाई. तो इस तरीके से मिले थे एग्जैक्टली याद नहीं बट हाँ इस लेवल का मिले थे. ये फर्स्ट इम्प्रेशन था तुम लोगों का फिल्मी था एकदम. हाँ है ना. उसके बाद जब सैम आ जाएगा हमारी फैमिली में तब उसके साथ बैठ के अलग अपन Q&A करेंगे अभी. हाँ नेक्स्ट है योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर इन-लॉज एंड देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. आई डोंट थिंक सो कोई एक्सपेक्टेशंस है. बेसिक जो बेसिक होता है वो फॉलो करेंगे और उनके साइड से तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ह्यूज एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि उनके लड़के ही तो 100 times बेटर हूँ मैं एनी टाइम. नहीं और मतलब जैसा मैं अंकल से मिली हूँ बहुत सिंपल लोग नहीं होते. हाँ. जैसे आपने मेरे पापा को देखा है वैसे 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 टाइप के एकदम सिंपल. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वुड बी. एक्सपेक्ट इन द सेंस मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस. हाँ आफ्टर मैरिज क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी. ये कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं. मेरा बेसिक लॉजिक है मैं जनरली लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखती नहीं हूँ किसी से भी इरिस्पेक्टिव. ये खुश रहने का 101 वाला वो है रूल थंब रूल. मैं घर वालों से नहीं रखती तो बाहर वाले तो दूर की बात है. शादी के बाद बस ये है कि भैया हम लोग जिस तरीके से वाइब अभी करते हैं सेम हम वैसे ही वाइब करना चाहिए है. और एटलीस्ट क्योंकि हम दोनों गुस्से वाले हैं जम के उसको भी आता है क्या भयंकर लेवल पे. मतलब तेरे जैसा फटेंगे हम दोनों एक दूसरे पे अगर फटेंगे तो. बट हम ये मुझे कल मम्मा बोल रही थी. हाँ बट हम लोग एक दूसरे पे बहुत बार फट भी चुके हैं. अच्छा अच्छा फ्रेंडशिप ठीक है वो तो फिर. हाँ जब एक ज्यादा फटने लगता है तो दूसरा शांत हो जाता है ये वाला हमारे बीच में सीन होता है ठीक है. पर एज सच कोई इन जनरल एक्सपेक्टेशंस नहीं है. सम टिप्स फॉर मैरिज हाउ फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर. टिप्स ऑफ मैरिज परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ नहीं होता एग्जैक्टली. ना लड़की के लिए भी और ना लड़कों के लिए भी. इट्स जस्ट दैट कि आपका कंपेनियनशिप कैसा होगा. आप उस लेवल पे आप उससे बात कर पाते हो कि नहीं हर चीज को लेकर के. एटलीस्ट हम दोनों में ये चीज कॉमन है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उससे हर टॉपिक पे बात करती हूँ. हम लोगों के ओपिनियंस काफी चीजों पर मैच नहीं करते हैं तो वो मतलब एज सच मैं कोई परफेक्ट पर्सन नहीं देखती अपने लिए. Compatibility matters. क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उस लेवल की परफेक्ट होना चाहूंगी किसी के लिए. Correct. जो सामने वाला मुझे ऐसा थोड़ा सा इम्परफेक्ट लोग ही पसंद है भैया चिल मानने वाले. हाउ टीनू डिड हर वेडिंग शॉपिंग एंड अवॉइडेड एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंसेस. ओ बबरे अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन. तो अच्छे से बताओ. हाँ तो आपके बैंक अकाउंट में जब ज्यादा पैसे नहीं होते तो ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली आपको सोचना पड़ता है भाई तुमको खरीदना भी चाहिए कि नहीं. नहीं फॉर मी इट्स ऑलवेज लाइक कि शादी में फालतू और फिजूल का खर्चा बहुत ज्यादा होता है अननेसेसरी. ये हर चीज को लेने का ये सोचती है कि क्या मैं इसको आगे 5 बार पहन पाऊंगी कि exactly. नहीं पहन पाऊंगी. ये इसने हम जब शॉपिंग करने जाते थे तो मैंने ये नोटिस किया इसके अंदर. हाँ. कि ये हर ड्रेस को पहनने के बाद ये क्वेश्चन पूछती है इसको मैं ऐसे यहाँ पहन सकती हूँ इस साड़ी को मतलब हाँ, exactly. रीयूज कर पाएगी. मेरा अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव परचेज है मेरा फोन क्योंकि मुझे वो पता है वो 5 years तक मेरे पास टिकेगा. तो दैट इज द ओनली रीजन मैंने वो सबसे एक्सपेंसिव सामान खरीदा है. बाकी अबाउट द क्लोज अबाउट ज्वेलरी अबाउट एवरीथिंग मतलब मुझे पता है कि मुझे एटलीस्ट 3 to 4 years उसको घसीटना है. ये बहुत अच्छी चीज है मैच्योरिटी वाली क्योंकि ये हमने मेरे टाइम पे नहीं सोची. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं करी थी और ये बहुत बेवकूफी वाला हमने हाँ. स्टेप लिया था जो कि आज ना विक्की के कोई भी शेरवानी इतनी महंगी महंगी पड़े हुए हैं मेरे लहंगे पड़े हुए हैं सब कुछ पड़ा हुआ है हमने नहीं ये चीज सोचा था. तो ये एक ऐसी चीज है जो इससे सीखना चाहिए आप लोगों को और मुझसे बिल्कुल भी नहीं. तो मैंने तो सबका देखा है कि भैया आप किसी की भी शादी में जब कोई ध्यान नहीं देता किसी आप ऐसी छोटी मोटी चीजें सोचते हैं अरे यार मेरा हाँ. ये बैंगल्स तो नहीं है मेरे पास ये अरे घंटे से कौन देखता है भाई कोई नहीं नॉट इवन यू. मतलब इनको तो अपने शादी का बैकग्राउंड में क्या था कलर ये तक नहीं पता खाना नहीं पता इन लोगों को शादी का खाना क्या है भाई साहब. तो तुम सोचो जब दूल्हा दूल्हा
मन को नहीं पता है सीरियसली यार, किसी को याद रहेगा क्या? जब किसी को याद ही नहीं रहना तो खर्चा क्यों करना। तो नेक्स्ट है, कभी झगड़ा नहीं हुआ आप दोनों के बीच में? आई फील जेलेसी समटाइम्स, दुनिया में सारे SIL झगड़ा करते हैं। ओ भाई सही बात, आप टॉपिक दो हम झगड़ा करेंगे। हम झगड़ेंगे, हम टॉपिक भेजा हम लोगों को। झगड़े किस चीज पे करें यार? कोई थोड़े से ना, हर हम लोग ने भी एटलीस्ट एक दूसरे को वो दिया है, थोड़ा स्पेस भी देते हैं, स्पेस भी देते हैं उस लेवल का, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। यार मैं तेरी सिचुएशन में होती तो क्या करती, तू मेरी सिचुएशन में, तो थोड़ा सा आप वो अगर सोच करके चलोगे तो वो वाली सीन होगा ही नहीं कि आप झगड़ो। बट आप टॉपिक दो हम झगड़ेंगे। क्या हम सेम एज के हो? Yes. हाँ यार, नहीं लगते एकदम सेम एज के, अच्छे दिखते हैं। एग्जैक्टली, बहने लग रहे हैं अभी हम, सिस्टर इन लॉ वाला फैक्टर ही हमारे बीच में नहीं आता है। और जेलेसी तो 1% नहीं आती है। जेलेसी क्यों ही होगी? क्यों होगी यार, मैं चाहती हूँ कि ये बेस्ट लगे, ये चाहती हूँ कि मैं बेस्ट करूँ, मतलब ऐसा वाला सजेशन आता है हमारा। ओके, फॉर न्यू ब्राइड व्हाट इज नेसेसरली इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड बजट एंड हाउ टू डू पैकिंग? वो बाप रे, पैकिंग, पैकिंग इज लाइक, पैकिंग से स्टार्ट की जाती है पैकिंग। आप नहीं, नहीं, मैं इसका फनी चीज बताती हूँ। हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा टेंशन लेती है इसको लेके कि ये बहुत चिल और कूल है, तो उनको ये लगता है कि कैसे होगा। हाँ। भाई वो पिछले 10 दिन से इसके पीछे बड़ी पैकिंग कर, पैकिंग कर, पैकिंग कर, पैकिंग। ये मैडम एक दिन में पैकिंग कर ली। पैकिंग कितनी देर करी? आप, मैं गई जब तक ऊपर, मैंने कहा चलो जाती हूँ टीनू को पैकिंग कराने के लिए। टीनू में ऑल पैक्ड, और मैं यूं देख रही हूँ खड़े होकर के। 30 मिनट्स लगते हैं आपको पैक करने में, अगर आपको पता है आपको क्या ले जाना है। मैं जा रही हूँ ठंडी जगह पे, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि पतले कपड़े ले जाकर के क्या फायदा है। आप 3 महीने घंटे से आप नहीं पहनोगे, कोई पतला कपड़ा आप नहीं पहन सकते हो। तो मैं सारे के सारे, मैंने थोड़े से मोटे कपड़े या ऐसा कुछ है, और अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं आने वाला है, तो इतना भी मतलब आप भर मत दो बैग को, तो हम मिनिमम रखो। एग्जैक्टली। उसके बाद व्हाट इज नेसेसरली इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड बजट? बजट वाला तो अपना हो गया। नेसेसरी मैं बताती हूँ, अगर आप कपड़ों में सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा वो सोच के चलो कि आप किस जगह जा रहे हो, उस बेसिस पे आप खरीदो। अगर आपके फैमिली या जो भी इन-लॉज या जो भी है उनके फैमिली में अगर कुछ नहीं चलता है, फिर वो भी खरीदना इज ऑफ नो यूज, क्योंकि पहनने में नहीं आता। तो आप सिर्फ वही उतना खरीदो जितना जरूरत पड़े, मतलब 3-4 फंक्शंस की शादियां, जैसे अपने तो जनरली साड़ियां वाड़ियां मिल जाती हैं। मैं इन पर्टिकुलर साड़ी पहनती हूँ, अपने सारे फ्रेंड्स की शादियों में मैं साड़ी पहनती हूँ, तो मैंने साड़ियां खरीदी हैं। मुझे पता था कि मैं एटलीस्ट सबकी शादियों में पहन लूंगी वो चीज, तो मैं वही करूंगी। मैं सारे अपने घर पे जो भी फेस्टिवल्स होंगे, पूजा होंगी, सब पे वो पहनूंगी, सारे फ्रेंड्स की शादी में पहनूंगी, तो वो साड़ी मैंने उस लेवल की खरीदी। पैसा वसूल हो जाएगा। हाँ, पैसा वसूल करूंगी मैं सारे कपड़ों पे। फिर सूट वूट भी मैंने उस तरीके से खरीदे हैं कि भैया सब जगह पहने जा सके। हाँ। सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, उस लेवल के ओकेजन के लिए नहीं। ज्वेलरी में भी मिनिमल, जो सब पे चल जाए, और चप्पल एक ही खरीदो बस। भाई वो कहीं मतलब उठा करके ले जाने में भी दिक्कत होती है। मैं वही चप्पल मेरे फ्रेंड की शादी में घसीटी, अपने पूरी शादी में घसीटूंगी, वहां के रिसेप्शन पे भी घसीटूंगी। जॉब इज डन। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ शी सेव्स मनी फॉर हर वेडिंग एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसी से मिलता जुलता है मनी हैंडलिंग टिप्स फॉर वुमेन, एंड उसी से मिलता जुलता है फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी, वेडिंग प्रिपरेशन। ठीक है, वही सब है, फाइनेंशियल प्लानिंग बताओ। एग्जैक्टली, बाप रे, बिल्कुल। मैं मतलब मेरे से पूछते हैं जो सबसे ज्यादा खाने में उतारती है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को खाने का शौक है, तो मैं बहुत अच्छे लेवल की फूडी हूँ। मैं कुछ भी खाती हूँ बाहर जाकर के, तो चाहे वो कितना भी कॉस्टली क्यों ना, वहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ, बाकी चीजों पे नहीं करती। तो अगर मैं कहीं खाने भी जा रही हूँ तो सिर्फ उतना, और थोड़ा सा वो लेकर के चलती हूँ कि 1 महीने में एक बार सॉर्ट ऑफ स्टफ। बाकी चीजों पे मैं पैसा सेव कर लेती हूँ, मैं कपड़े नहीं खरीदती फिजूल के। हाँ। मैं मिनिमल रखती हूँ, मेकअप नहीं खरीदती, कपड़े नहीं खरीदती, फालतू का फुटवेयर, बैग, जो लड़कियों वाले शौक होते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं वो सारी चीजें खरीदती नहीं हूँ, जो मिनिमल एक सेट ऑफ स्टफ होना चाहिए। जैसे शूज होते हैं एक होने चाहिए, पर वो बेस्ट होने चाहिए। फिर ऐसे नहीं कि आप कुछ भी, आप सब कुछ पहन के घूम रहे हो, फिर अगर आप खरीद रहे हो तो वो या तो बेस्ट खरीदो या तो मत खरीदो। मेरा ये लॉजिक है। वन बेस्ट क्वालिटी एंड वर्स्ट क्वालिटी अबाउट ईच अदर। लड़के के बारे में, तेरे बारे में? अपन दोनों का ही है। अच्छा, अब वन बेस्ट एंड वन वर्स्ट। वन वर्स्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी इसकी ये है कि ये ना काफी उस ये सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करती है, और सामने वाले को भी उस लेवल का अंडरस्टैंड करवाती है। मतलब सिर्फ करने के लिए नहीं, बट शी डज एवरीथिंग फ्रॉम हार्ट।
सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करती, पर जो भी है उसका वो ऑन फेस ऐसे फेस पे है, बैक पे जाकर के कुछ नहीं है, स्ट्रेट ऑफ. ये स्ट्रेट है. और वर्स्ट क्वालिटी, वर्स्ट क्या है मैं बता दी वर्स्ट क्या है. ये खरीद लेती है 100 तरीके की चीज है, उसके बाद मैं सोचती हूँ अरे यार हद हो गई है, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा. एग्जाम्पल परफ्यूम, रीसेंट एग्जाम्पल, ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है जिसके वार्डरोब में नहीं है, बट नहीं इसको सबके परफ्यूम्स पसंद आई है पर खुद का कोई परफ्यूम पसंद नहीं आएगा, तो इसका ऐसा रहता नहीं यार मेरे को तेरा परफ्यूम अच्छा लग रहा है, तेरा परफ्यूम अच्छा लग रहा है सबका, और खरीद भी लाएगी, और फिर बाद में इसको खुद को भी मजा नहीं आता वो चीजें खरीदने के बाद. मैं इसको बता रही थी कि मेरी ये जो ये आकांक्षा ने गिफ्ट किया है, ये इसने रेकमेंड किया है, इसने रेकमेंड किया तो मैंने ले भी लिया क्योंकि मुझे इसका पसंद था. थोड़ा इम्पल्सिव है इसका, बहुत सारी जगह नहीं पर कुछ चीजों में जो उसको टेस्ट उसका पसंद है तो वो कर लेती है इम्पल्सिव शॉपिंग उस चीज में. बस उसके अलावा आई डोंट थिंक सो एज सच कोई वर्स्ट क्वालिटी है. वर्स्ट भी बोलना क्यों, टाइम के साथ हर इंसान अपने आप को चेंज करता है, अपग्रेड करता है, चीजों को सीखता है, तो ठीक है. ओके नाउ माय टर्न. तो इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो तो आई थिंक सबको पता होगी, मैं वो वाली बात नहीं बोलूंगी कि बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत अच्छी है, ये है वो है. मैंने एक चीज इसमें नोटिस करी है, मतलब पिछले आई थिंक काफी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, जैसे जनरली होता है ना जब एक इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है तो होता है ना अपने से थोड़े नीचे लोगों को दे फील लाइक कि अरे हम इसके साथ क्यों वाइब करें, ये हमारे टाइप का नहीं है, या हमारे क्लास का नहीं है, या उसका नहीं है, या इसका नहीं है. इसके अंदर जैसे हम किसी भी होटल में जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, एक तो ये जैसे जो सर्विस वाले लोग होते हैं जो वहाँ पे सेल्स हमको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये उन लोगों से इतनी पोलाइट रहती है, ये चीज इससे मैं सीखती हूँ. मतलब एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उन लोगों को सर करके बात करती है, मैम करके बात करेगी, अगर उन्हें 2 सेकंड के लिए भी कुछ इसको दिखाया उनको थैंक यू कर, मतलब ये मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंप्रेस होती हूँ मैं इससे, बहुत डाउन टू अर्थ है ये. वाह वाह वाह, लोगों को वैल्यू करती है इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो, हर एक लेवल के लोगों को वैल्यू करती है, तो ये चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है. और वर्स्ट क्वालिटी, गुस्सा आता है इस बार. हाँ मैंने जरा गुस्सा देखा हुआ है, गुस्सा बहुत खतरनाक है, फटती बहुत गंदा है, वैसे भी फटती है, मैंने इसको हार्डली 1 या 2 बार ही कभी देखा होगा, बट जब फटती है तो बहुत गंदा फटती है. तो नेक्स्ट है नेम द प्लेसेस एंड स्टेट्स शी ट्रैवल्ड. She's traveling after marriage. नहीं, जहाँ तू कर चुकी, traveled already. Oh, बहुत सारी जगह हैं. हाँ, she's a travel lover. Both. तो ये चीजें दोनों को घूमना और खाना बहुत पसंद और मस्ती, ये दोनों सेम है. शादी में, हमारी पूरी शादी में हम दोनों ही नाच रहे होंगे, ये वाला हाल होने वाला है. कोई नाचेगा नहीं नाचेगा, हम दोनों की शादी में हम इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं, एक ही बार तो हो रही है शादी. मैंने कहा सबसे ज्यादा ग्रुप में कौन मस्ती करता है, तीनों बोलती मैं हूँ, मैंने कहा लड़को बोलती सैम है. नॉर्थ ईस्ट मैंने अभी तक टच नहीं किया, वो मेरा एक्चुअली मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी, मेरा हमेशा से ऐसा था कि इंडिया पहले पूरा घूमो अच्छे से, मतलब मेरा एक ड्रीम है कि हर एक सिटी में जाके जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर है उस चीज, उस कल्चर को जाकर के ऑब्जर्व करना और देखना और एंजॉय करना. और मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे पब्लिक बहुत पसंद है, मतलब भयंकर भीड़ होगी तो मजा आ जाएगा. उड़ीसा, ये अभी जो भुवनेश्वर में, उड़ीसा पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, मुझे वो पीक टाइम्स में वहां सारी जगह जाना है. मैं इन जनरल काफी सारी प्लेसेस पे गई हूँ बट मैं पीक टाइम पे जो उनका सबसे एम्ब्रेसिंग टाइम नहीं होता कल्चर का, जैसे दुर्गा पूजा में कोलकाता में होना और ये सारे टाइम पे मैं अभी तक नहीं गई हूँ. बट सिर्फ स्टेट्स में अगर बोला जाए तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है. हाँ यस. उसके बाद व्हाट्स हर व्यू पॉइंट टुवर्ड्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोस्ट मैरिज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह मैं देखती नहीं हूँ पब्लिक को. इन जनरल है जो करते आ रहे हैं वही करते रहना. हाँ, शादी के बाद कुछ चेंज होता है. हाँ, मतलब exactly. उसके पेरेंट्स के लिए भी करना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है, एड ऑन हो जाती है फैमिली तो और भी अच्छी बात है, पब्लिक ज्यादा हो जाएगी आपके पास. तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैं नहीं देखती अपने फैमिली वालों को, जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा. शादी के बाद आप अपने में क्या चेंजेस लाना चाहोगे या ऐसे ही रहोगे?
एक चीज लाना चाहूंगी, गुस्सा आता है मुझे तो वो थोड़ा शायद तक कंट्रोल करना पड़ेगा, उस लेवल का नहीं बट हाँ मतलब बदतमीज नहीं हो जाना है कहीं पे भी। आप किसी के यहाँ पे जा रहे हो तो चलो क्या आपने घर वाले तो अब झेल ही रहे थे साल से तो अभी आदत पड़ चुकी है, बट सामने वालों के यहाँ पे आदत नहीं पड़ी होती ना तो वो थोड़ी बदतमीजी हो जाती है, तो वो वाली चीज थोड़ा सा चेंज करूंगी। उसके बाद है मोस्ट फनी सीन ऑफ बोथ ऑफ यू। जनरली हम लोग कोई भी कॉन्वर्सेशन में होते हैं ना तो हमारा एट द एंड ऑफ द डे ये होता है भैया कि हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं हर चीज को लेकर के, हर चीज फनी है, हाँ। बीट खाना, बीट कॉन्वर्सेशन, बीट बिग बॉस की बकवास और ये कुछ भी। पर अभी रिसेंटली मतलब अभी आज क्या है तो हमारा, मेरा जो लहंगा था हमने जहाँ से लिया था काफी प्रिटी लहंगा है मैं बोल सकती, मम्मी नहीं बोलेगी ये चीज, तो लिया और उसने ना जो ऑल्टरेशन के लिए ऑलमोस्ट अ मंथ लगाया, अब वो उसने ऑल्टरेशन ढंग से भी नहीं किया उस चीज का, अब वो उनने एक मंथ लगाया, अब मैं गुस्से में तो निकाल करके हम दोनों वो लहंगा ले आया उनकी शॉप से, हमने बोला हम इसका ऑल्टरेशन अपनी जगह से करवाएंगे और जो बिल फटेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो अपेरेंटली ये हुआ कि उन्होंने हमको कैश तो दे दिया था, जितना आधा कैश दे दिया था उन्होंने पहले, उनको ऐसा लग रहा था इतने में हो जाएगा जबकि हम इतने कॉन्फिडेंट थे इतने में होगा ही नहीं। फिर हमने हमारे जो टेलर हैं स्टिच करते हैं वो अमेजिंग टेलर हैं, तो उनसे हमने करवाया, तो उनसे हम बिलिंग लेकर गए और आज ही हम वो बिल रीइंबर्स करवाने के लिए वापस लेकर गए। तो वो जो बंदे ने हमको लहंगा सेल किया था उसकी शक्ल देखने लायक थी, मतलब उसकी हवाइयां उड़ गई हम दोनों को देख करके, यार आप फिर आ गए और हम उसका नरेट कर रहे थे उसी के सामने, हम उसी के सामने बोले भैया आप तो अब ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों दिखनी नहीं चाहिए मुझे मेरी शॉप पे, हम जो हंसे हैं उनकी शॉप पे मतलब लोग हमारे को देख रहे हैं, हम सब लोगों को ये बोल रहे थे अरे हमको डिस्काउंट करते हैं आपको डिस्काउंट नहीं करते, क्या लिखा हुआ है क्लियरली कि फिक्स रेट, और नहीं किया हमने हमको भी डिस्काउंट कभी नहीं। तो एक आंटी थे वो उनको बोल रहे थे कि भैया आप डिस्काउंट नहीं करते, ये नहीं करते, वो हमसे बात कर रहे थे, हमने बोला भैया आपने हमको डिस्काउंट किया अब आप इनको क्यों कर रहे हैं, बाप रे वो उन्होंने सिंधी में आंटी को समझाया कि मेरी ये बहने हैं मेरी मतलब मस्ती कर रही है ये कर रही है, बाप रे बाप। तो हम वहां पे लूटपुट हो रहे थे, मतलब हम लोग ऐसा हो गया था कि भैया की हमने इतनी बुरी तरह से बोलना नहीं चाहिए ठीक है, बट उनने भी यार हमको लटकाया तो थोड़ा तो बहुत लटकाया था, थोड़ा भी थोड़ा देना बनता है। हाँ, इफ सम ऑफ योर रिलेटिव सेज नेगेटिव अबाउट रुचि हाउ यू हैंडल। हमारे यहाँ पे जनरली थोड़ी सी ना पब्लिक उस माइंडसेट की है कि आप उस माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि देयर उनकी अपब्रिंगिंग उस पूरे चीजों में हुई है, तो आप ना फिर आप इतने पुराने लोगों को जाकर के आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जनरली क्या होता है ना, आप मेरा तो लाइफ का फंडा है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, कहीं जाकर के उसके बारे में मत बताओ क्योंकि सामने वाले को अलग दुख हो जाता है, इसको थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब मेरी बुआ लोग तो मेरे सामने मुझे ही डांट देती हैं, मेरे सामने अगर उनने कभी एज सच इन पर्टिकुलर मेरे सामने तो कोई कुछ बोलता ही नहीं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भैया ये तो महा ही स्पॉइल्ड है तो इसके सामने क्या बोले, पर जनरली अगर कभी कुछ बोला जाता है तो मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ, और कभी कोई कुछ बोलता है जैसे एक दो इंस्टेंसेस हुए थे तो मैंने उनको बस यही समझाया था कि यार आजकल की लड़कियां आप उनका माइंडसेट भी लेकर के चलो ना, आप लोग बड़े हो माना हम आपका सोच के चल रहे तो आप भी उनका थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच के चलो, चीजें कल्चर सब चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाला सीन रखो। मेरी नानी इज वेरी कूल अबाउट दैट, वो थोड़ा सा शी इज द बेस्ट, वो थोड़ा सा वैसे लेकर के चलती कि भैया आज का जैसा कल्चर है वैसे ही फॉलो किया जाए, तो बाकी लोगों को भी हम वही देते हैं, अगर जनरली तो हमारे घर वाले हमें सुनते ही नहीं है भैया बड़े बड़े पागल हो गया तो होता कौन होगा बताने वाले, बट कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो बस, सामने वाले को बताओ मैं दादा इधर की उधर उधर की इधर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट है लड़ाई बड़ाई सब। हाँ, आप कभी अपने भाई और भाभी की लड़ाई में किसको सपोर्ट करते हो? मैक्सिमम टाइम मैं इसी को सपोर्ट करती हूँ, मैं विक्की को तो बिल्कुल, विक्की और ये दोनों तो बिल्कुल नॉर्थ साउथ चलते हैं, हम इस टाइम के हम ऑटो में लड़ लेते हैं दूसरा तो दूर की बात है, कार तो दूर की बात है, ऑटो में लड़ लेते हैं एक बार मैं कहा जा रही थी, मैं बीच में बैठी हूँ यहाँ टीनो बैठे ये लोग लड़ रहे जम के, और ऐसा मेरी धीमा बात लड़ रहे ये लोग, मतलब ये चीज पे लड़ रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है, और हम लोग भैया तुम्हें पता है क्या तुम यहाँ से आए होगे कभी, ला 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 ला, और रुचि बोले तुम शांत हो जाओ, तुम लोग क्या पागल हो गए, तुम घर तो चल के लड़ लेना, मैं कह रही घर चल के लड़ लेना, भाई क्या लड़ रहे हो, थोड़े नॉर्थ साउथ है हम लोग, अट्रैक्ट नहीं करते, बिल्कुल नॉर्थ साउथ टाइटंस करते हैं, मतलब ये अगर बोलेगी कि ये रात है
तो उसको विक्की रात कभी बोलेगा ही नहीं, वो दिन है, और वो उसको बोलेगा दिन है, तो ये उसको दिन नहीं बोलेगी, बोलेगी नहीं वो तो रात ही है, ऐसा चलता है इन दोनों का। मेरे सामने लड़ते तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ, भाई इसको करूँ उसको करूँ, तो मैं मोस्टली इसी को करती हूँ, फिर उससे डांट खा लेती हूँ, बहुत चिढ़ता है कि तीनों की ही क्यों बात मानी जाती है हमेशा। Everyone just starts forcing a girl to get married when she crosses 18. So how she extended her marriage till 30? I think ये बता चुकी है ना। मतलब ये है थोड़ा सा यार, घर वाले तो आपकी नहीं सुनेंगे, आप सिंपल सी बात है, मेरी भी नहीं सुनते थे आप, बस ये है कि आप नहीं आओगे शादी में तो होगी किसकी। उसके बाद tell us about how to take financial decisions on your own. Financial decisions. एक खुद का पैसा है तो खुद ही डिसीजन लेगी ना यार। फिर नेक्स्ट है टिप्स टू बी गुड सिस्टर इन लॉ। टिप्स यार थोड़ा इंसान, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन ही क्यों है। सच में नहीं, जनरली मोस्टली ऐसा होता है ना, नंदे बहुत खतरनाक होती है। हाँ अरे वो मैं बोला ना धूमता नंदा मैं करना, भैया ये सिर्फ सीरियस में होता है, रियल लाइफ में भी अगर होंगी भैया जियो और जीने दो, मेरा लाइफ का मोटो है थोड़ा सा जियो और जीने दो। तुम मतलब इतना लोड लेकर के और दूसरे को लोड लेकर भैया आप कहाँ जाओगे और आप कैसे एक साथ रह सकोगे, मतलब हाँ कैसे मतलब, रह सकोगे एक साथ यार इतना। इट्स लाइक कि वट एवर यू गिव्स कम्स बैक टू यू एज वेल, मतलब आप जो करना चाह रहे हो आप खराब करोगे किसी के साथ, आपके साथ खराब होगा, तो उस पछड़े में नहीं पड़ना। सिंपल सी बात है, आप शांति से, सबकी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने पर्सनल चॉइसेस होते हैं, थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए हर चीज के, हर इंसान का पर्सनल चॉइस, बस उतना करो, बस सेट है, बाकी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, लाइफ में और चीजें हैं दिमाग लगाने के लिए, ये भगवान चीज सही में यार नहीं है। बेसिक ह्यूमन नेचर रखो हर इंसान के प्रति, बीट योर सिस्टर इन लॉ, बीट योर मदर इन लॉ, बीट एनीबॉडी, बेसिक ह्यूमन नेचर होता है थोड़ी सी तमीज टू एवरी वन, लाइक आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, तो बस उत्तर रखो, दैट्स इट। क्या टीनू के इन लॉज टीनू का टॉम बॉय नेचर के साथ ओके है? पता ही नहीं है भाई पता ही नहीं है, मजा आएगी तो ये तो है, पार्ट ऑफ लाइफ है, सबको झेलना पड़ता है। मेरे को ऐसा लगता है जनरली, मतलब मेरा देखा है मतलब आंटी की यार मस्त है यार, मतलब अच्छा है, अब बाल ज्यादा धोने की जरूरत नहीं है, शी इज कूल अबाउट दैट, बट मुझे हाँ जनरली जहां तक उनका ये पता है कि उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि मेरा नेचर किस टाइप का है, पर ये तो मेरे साथ भी ना, मुझे कौन सा पता है, तो वहां जाकर के एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। कोई इंसान का नेचर फर्स्ट डे में नहीं पता चल सकता है, आप जब तक उस इंसान के साथ नहीं रहना स्टार्ट करोगे आपको नहीं पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान होता है जिसके साथ आप नहीं रह सकते हो, लाइक एग्जैक्टली इफ यू आर चिल एवरीबॉडी विल बी चिल, एक सिंपल सा है, क्या ही होगा ज्यादा सोचती नहीं हूँ मैं, मेरे पास ऑलरेडी मैंने बोला ना मेरे पास ऑलरेडी सोचने के लिए बहुत है, मेरा ऑफिस का काम ही इतना ज्यादा है कि मेरे पास कोई लोग ये सोच रहे होंगे ये शादी की टेंशन क्यों नहीं, भैया ऑफिस की टेंशन का मतलब मेरी शादी की कब, जिस दिन इसकी मेहंदी है ना ये उस दिन से छुट्टी ले रही है। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड यू ओवरकम द वेडिंग एंजाइटी? है ही नहीं लग रहा है देखिए है ही नहीं, मुझे सब लोग अब मुझे दो मिनट ऐसा लगता है तुम लोग थोड़ा सा यार टीनू खरीद ले यार, टीनू यार ये कर ले यार, मम्मी भी यार तू ये क्यों नहीं पहन रही है, मम्मी ने कलर के बारे में तो 100 बार मुझे पूछ चुका है, बट क्या फर्क पड़ता है मेरा ये मुझे नहीं, ये लड़ लेती है कि भाई मेरी मैं मेरे को अपने पसंद के कपड़े भी पहनने को मिलेंगे, मेरा सिंपल सा ये है भैया 30 साल के हो चुके हो, अब आपकी शादी हो रही है, जब आप शादी करने के लिए रेडी हो चुके दैट मींस यू मेक डिसीजन ऑल बाय योरसेल्फ, करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब मुझे जिस चीज में कंफर्टेबल नहीं है मैं वो नहीं ही करूंगी, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं आए, मतलब मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ सेकेंडरी थॉट है, अभी तो मेरे मेन फैमिली वालों ने देखा नहीं है मेरे कपड़े, पर तू भी चिल रहने वाली है, हाँ मजा आएगी, मैं मेरे को तो मजा ही आती है, चार लोग आकर के बोलते अरे मेरा अरे उसको उस तरीके से ले लो भैया वाह क्या बात है, मजा आ गया आपको भी, बस उस तरीके से लाइफ ना, मैं सिंपल सी लोड लो ना दो बिल्कुल भी नहीं, दो तो बिल्कुल भी नहीं, खुद को तो बिल्कुल भी मत दो और लो भी नहीं यार हमने बहुत जल्दी खत्म, एक घंटे में खत्म हो गया, फाड़ दिया एक्चुअली में, फाड़ दिया। तो यही था आप लोगों का Q&A, मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, इसको भी बहुत मजा आया, आई एम श्योर आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत कुछ नई चीजें पता चली होंगी और कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज आपने देख लिया इसकी पर्सनैलिटी। सो यस दैट्स इट फॉर आवर वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको
कैसे लगे मैडम की थॉट प्रोसेस?